2019 में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन सोल्ड करने वाली जो कंपनी है वो है Realme, जिसने 2019 में 15 मिलियन से भी ज्यादा अपने स्मार्टफोन सोल्ड किए थे। और ये Realme ने 2019 में किया था, लेकिन Realme 2020 में भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि वो लेकर के आ रहे हैं 9th ऑफ जनवरी 2020 में अपना एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है Realme 5i। इसका लैंडिंग पेज भी दोस्तों Flipkart पर आ गया है, और मैं आपको बता दूं ये Realme की तरफ से एक बजट स्मार्टफोन है। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में Realme 5i के बारे में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ ही बताऊंगा इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए अगर आप Realme 5i को लेकर के इंटरेस्टेड है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जब फ्रेंड सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे नजर इसके डिजाइन और डिस्प्ले पर, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों Realme के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनकी डिस्प्ले बड़ी आती है, तो इसमें भी आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.52 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। और रही बात दोस्तों डिजाइन की, तो जैसा कि आपको पता है Realme के फोन की जो डिजाइन आती है बैक में आपको चार कैमरे वो भी साइड में फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, वही सेम आपको डिजाइन इसमें देखने को मिल रही है, चार कैमरे बैक में फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया जा रहा है 4GB 64GB, लेकिन कमाल की बात ये है इसमें आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिल रहा है, जिसकी मदद से आप अपने मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई 2020 में ऐसा स्मार्टफोन देख रहे हैं जो कि 7,000 रुपए की प्राइस में आता हो, तो हमने आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है। हमने टॉप 4 स्मार्टफोन बताए हैं जो कि 7,000 रुपए की प्राइस में आते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों बताया 2020 में 7,000 रुपए की प्राइस में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, तो जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। और दोस्तों बात करें Realme 5i की बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 10W का आपको इसमें चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट आपको नहीं देखने को मिला है, USB केबल आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, और हाँ ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे Realme 5i के बैक कैमरे की, तो इसमें आपको बैक में चार कैमरे देखने को मिल रहे हैं, 12 MP का जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, अगेन दूसरा कैमरा आपको 8 MP का मिल रहा है जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है, तीसरा कैमरा आपको देखने को मिल जाता है वो 2 MP का जिससे आप माइक्रो शॉर्ट फोटो ले पाएंगे, और अगेन आपको जो लास्ट कैमरा चौथा कैमरा देखने को मिल रहा है वो 2 MP का देखने को मिल रहा है, वो डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। तो बैक में आपको चार कैमरे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। रही बात इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 8 MP की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी जहां पे आप अपने अच्छे फोटो निकाल पाएंगे। और दोस्तों बात करें हम लोग यहां पे इसके प्रोसेसर की, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रोसेसर भी ध्यान में रखा जाता है, कैमरा तो है लेकिन दूसरी जो चीज़ फ़ोन में देखी जाती है वो देखा जाता है उसका प्रोसेसर, क्योंकि सारे लोग हाई ग्राफिक्स में गेम खेलते हैं, पबजी गेम खेलते हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर डाला है, और जो कि जिसका बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है वो 1,68,000 के आसपास निकल के आता है, जो कि आपके फ़ोन को हैवी परफॉर्मेंस देगा, ये 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अब दोस्तों बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ Realme 5 आया था, उसका सक्सेसर बनकर के आया ये Realme 5i। Realme 5 की जो प्राइस थी वो 8,999 रुपये थी, और वही सारी की सारी सेम चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है, वही बैक में चार कैमरे, वही लार्ज डिस्प्ले, उसका जो कैमरा था फ्रंट वाला दोस्तों उसमें आपको 13 MP का देखने को मिलता था, इसमें आपको 8 MP का देखने को मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर हम इसकी प्राइस एक्सेप्ट करें तो इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 7,999 रुपये रहने वाली है, मतलब आपको ये स्मार्टफोन 8,000 रुपये से ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, 8,000 रुपये से कम की प्राइस में आएगा। और 8,000 रुपये से कम की प्राइस में आता है तो दोस्तों आपके लिए डील बुरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको बैक में चार कैमरे और अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ फेस अनलॉक देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल 7,000 या 8,000 रुपये की प्राइस में आता है, तो ये आपके लिए अच्छी डील हो सकती है। और दोस्तों लॉन्च डेट मैंने आपको पहले से ही बता दिया, 9th ऑफ जनवरी 2020 में ये लॉन्च हो रहा है, इसका Flipkart पर लैंडिंग पेज आ गया है। अगर आपको
ये दोस्तों स्मार्टफोन पसंद आया हो तो जाकर के 9 जनवरी से फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकेंगे। चले दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों रियलमी 5i के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। वैसे दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और हाँ दोस्तों अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। वो लोग स्मार्टफोन लेने वाले हो तो वो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए अच्छी डील हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करो। हाँ दोस्तों ऑल पे क्लिक करना मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। मैं मिलूंगा आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।